नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रीमा गोयल है। मैं यहाँ कंसल्टेंट गायनी स्पेशलिस्ट हूँ, वैष्णवी नर्सिंग होम हीरो हंडरता गुड़गांव। आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ हमारे 74th गणतंत्र दिवस के लिए। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस एक स्पेशल पर्व है जिसकी हमारे दिलों में एक स्पेशल जगह है। मुझे कहना चाहिए जितने भी नेशनल डेज हैं हमारे कंट्री के, एक हमारे अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है जो कि इस समय इन दिनों में सबसे ज्यादा मुझे लगता है हमारे अंदर आ जाती है। तो हमें उस देशभक्ति की भावना को थ्रू आउट द ईयर अपने अंदर कायम रखना चाहिए। ऐसे नेशनल डेज, गणतंत्र दिवस हमें खूब धूमधाम से मनाना चाहिए और ये हमें अपने बच्चों तक भी इसकी कह लीजिए आप देशभक्ति की भावना उनके अंदर आज से ही डालनी चाहिए, सो देट आगे जाकर वो हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सकें। साथ में मेरा मानना ये है कि जनरल पब्लिक के नाते हमें अपने देश के लिए कुछ स्टेप लेने चाहिए, जैसे स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। हम देखते हैं कूड़ा कचरा आज भी हर जगह फैला हुआ है। मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान चला था, लेकिन जब तक हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक वो एक सपना सपना ही रह जाएगा। तो हम कदम से कदम मिलाएं और उस सपने को साकार करने की सोचें, अपने बच्चों में इस चीज़ के लिए डालें ताकि आगे जाकर हमारा भारत स्वच्छ भारत कहला सके। दूसरी चीज़, स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत के लिए हमें खुद की हेल्थ पर ध्यान देना है, पौष्टिक आहार लेना है, अच्छा पर्यावरण रखना है ताकि हम उसमें अच्छी तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। एक्सरसाइजेज रेगुलरली करनी है। तो एज अ डॉक्टर मैं यही चाहूंगी कि जितने भी हमारे देशवासी हैं सब अच्छी हेल्थ में रहें। तो हमारा सपना जो है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का, वो पूरा जल्दी हम कर सकें। इसी के साथ गणतंत्र दिवस की फिर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।